चपरासी की नौकरी करने पर मजबूर है कि ग्रुप में चपरासी की नौकरी हुई और जो दसवीं बारहवीं पास है जिसके लिए ग्रुप डी की भर्ती होती है वो 200-200 रुपए की दिहाड़ी करने पर मजबूर है। ठीक इसी हिसाब से चाहे कर्मचारी हो, व्यापारी हो, दुकानदार हो, हर वर्ग से ये कहते हैं हम सच्चे देशभक्त हैं। बीजेपी वाले मोदी एक ही बात का रुका ठहरा है, मैं देशभक्त और मेरे खिलाफ सारे देशद्रोही, ये कहते हैं। आप इनसे एक बात का जवाब लो भाई, तुम पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में 280 सांसद हो अकेले बीजेपी के, और राज्यसभा में भी तो है ज्यादा है कि नहीं? जब तुम तीन तलाक की धारा हटा सकते हो तो फिर ये 370 की धारा आपने क्यों नहीं हटाई? सहमत हुआ? इसका इतना रुकट ठहरे हैं 370 ज्यादातर 90% लोगों को ये नहीं, मेरा भी 370 बीमारी है मगर चलो जिन्हें मेरा भी है तो चल पाओगे। आप ये पूछो बीजेपी के रमेश कौशिक से, भाई तुम वहां 5 साल हमने क्यों भेजे थे? अब मेजोरिटी में तुम थे, सारी ताकत थी, प्रधानमंत्री तुम्हारा, सरकार तुम्हारी, राष्ट्रपति तुम्हारा, रोड़ा के था, तुमने 370 हटाई। बीजेपी वालों के पास जवाब निकले क्यों? क्योंकि ये राम मंदिर और 370 का मुद्दा तो सिर्फ चुनाव चुनाव का है। 3 साल बीजेपी के लोगों ने सरकार चलाई महबूबा मुफ्ती के साथ, वो महबूबा मुफ्ती पीडीपी की लीडर जो अलगाववादी नेताओं का आज झंडा बुलंद कर रही है, कर रही है कि नहीं? कर रही है। वो पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती जो ये कहती है 370 के हाथ लगाओगे तो मैं कश्मीर को अलग कर दूंगी, चलाई के नहीं सरकार उसके साथ? अब 370 कहां गए भाई? इसलिए इनके बहकावे में ना आ जाइयो, कमल का फूल और बड़ी भूल बराबर किसी बात है। ये बटन दबाते दबाते अच्छा लगता है क्योंकि भाषण मोदी जैसे दूसरा कोई दे नहीं सकता, बड़े लक्षेदार भाषण देता, मगर 5 साल हम पछताएंगे इसलिए बीजेपी की भूल हमने नहीं करी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ठाणा नेता है, अरे 2 बार का मुख्यमंत्री है, आप एक ही बात से नजर लगा सकते हो ये कितना आपके अपने। जब रोहतक से जया करते हुड्डा जी के राज में नौजवान दोस्तों, ऐसी सड़कें थी वो तक जिले में जैसी लंदन पेरिस के विदेश की हो, और वो सड़कें जब हमारे लाखन माजरा पार्क के जुराना में घुसती थी तो जुराना कम और अटारी बॉर्डर और वाघा बॉर्डर की सीमा ज्यादा है। मानो बिजली आपको कम दिया, पानी आपको कम दिया, नौकरी उठाने लगाए नहीं, जींद की तरफ सदैव भेदभाव की नजर से देखा। जब मुआवजा मिला तो 23 लाख मुआवजा जींद में और 70 लाख मुआवजा लगती सीमा, यानी 1 इंच इधर 70 लाख और 1 इंच इधर 23 लाख, क्या भेदभाव किया कि नहीं आपने? जो आपका 10 साल में नहीं हो सके भूपेंद्र हुड्डा जी, क्या वो आपके अगले 5 साल में हो सकते हैं? मैं आपने एक बात बता दूं, इनने आपकी सेवा करने का कोई मतलब नहीं, ये तो 6 महीने खातर आए हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ 6 महीने के लिए आए हैं, ये बनना चाहते हैं एमपी, अरे इनका छोरा बन जाए एमपी, इनके लिए मेरा है कांग्रेस का और को बढ़ता नहीं, कांग्रेस का और को बढ़े नहीं, तुम बाबू बेटा जाके रहा उनके दरबार में आग ठोक दियो भाई, आगे ये कांग्रेस चलेगी तो हमारे दम से चलेगी, यही बात है। इसका मतलब ये अपना काम सिद्ध करना चाहते हैं, आपकी वफादारी, आपके लिए सेवक नहीं बनना चाहते। सेवक बनते तो फिर 2 आंख में फर्क नहीं होना चाहिए, जीन में रोक कर फर्क नहीं होना चाहिए, फर्क किया कि नहीं किया? 6 महीने के बाद ये आपके बीच में नहीं आएंगे। सुरजेवाला भी जीन में बहुत बड़ी बड़ी बात करना आया था, मरूंगा तो साथ देऊंगा ना आखिरी दम तक देऊंगा, एक बार फोन करके पूछ लो जीन वालों से कि दोबारा आया भी क्या। मैं चुनाव हार कर भी जीत गया क्योंकि हमने लोगों के दिल जीते। आप फोन में आकर के पूछो भाई दिग्विजय आया कि नहीं? मैं 2 बार सारे गांव में जाके आया, सबका घर का धन्यवाद करके आया, शेर की एक बाढ़ में जाके आया। तो आपने सांसद 5 साल खाता चाहिए या 6 महीने खाता चाहिए? 5 साल। फिर कांग्रेस को वोट देने की गलती भी आप लोग ना करें। एक बात और धीरे धीरे कहने लगे
बड़ा पहलवान होने के बावजूद ये जेजेपी पार्टी कल की पार्टी से चुनाव हारेगा। ये छेड़ दी है नीचे 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 कि ये कौम की लड़ाई। अरे कौम की लड़ाई कैसे होगी, हम कोई पाकिस्तान के हैं? बताओ आप, क्या हम आपके अपने नहीं हैं? क्या हम चौधरी देवीलाल का खून नहीं? क्या ये हरियाणा चौधरी देवीलाल ने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? सदैव आपकी लड़ाई लड़ी, तब ये कौन कहा गई थी? भूपेंद्र हुड्डा जी एक बात बताओ, तब ये कौन कहा गई थी? जब चौटाला साहब अजय सिंह जी 10 साल की जेल डाले, तब ये कौन कहा गई थी? तब इन्हें कौन याद नहीं आई? आज वो ठगने हैं आपको बदलाना है तो ये कहते हैं तो ये कौन की लड़ाई है, इसलिए इनकी बातों में बताइए। ये दुष्यंत जो है, ये आपका लाडला जो है, इस पर जींद की मोर है, आगे चुनाव लड़ेगा और हरियाणा का मुख्य सेवक बनेगा आपके आशीर्वाद से, कोई जीत नहीं रहेगा। आपसे गुजारिश करता हूं, झोड़ी फैलाकर हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूं कि जीत की चौधर लाने का सवाल है, आप मुझे एमपी बनाओगे 5 महीने और 5 साल के लिए नहीं, जब तक जीऊंगा और चौधरी देवीलाल जी का खून हमारी रगों में दौड़ेगा तब तक आपका सेवक बनकर आपका सिपाही बनकर। और रही बात भविष्य में सरकार बनेगी, परमात्मा करेगा एमपी बनेंगे तो सरकार भी बनेगी, और दुष्यंत अगर सीएम बनेगा तो फिर हम चंडीगढ़ को राजधानी नहीं मानेंगे, पूरा ऐलान करेंगे पहले दिन कि राजधानी सरकारी राजधानी जी हो, सरकारी राजधानी जी हो, मुख्यमंत्री घर का हो, कलम की ताकत हो, हाथ पकड़ के काम करवाइए, तो रोकनी है तो ताकत आपके हाथ में होगी तो क्या लोगे भूपेंद्र हुड्डा से, क्या वो हमें देगा? इसलिए इनके बहकावे में आप ना आयो, मैं यही बात कहने आपके बीच में आया था। एक एक कीमती वोट, दो चप्पल की जोड़ी, किसकी पहचान है चप्पल? गरीब आदमी की। चौधरी देवीलाल की खड़ा हो है, गरीब आदमी की सवारी है, पथरीले रास्तों पर चलना सिखाती है और अंतिम दम तक आपको साथ निभाती है। इसलिए आपसे कहूंगा, आपसे कहूंगा कि चप्पल की जोड़ी पर अपना चुनाव चिन्ह मोहर लगा करके आप ये मौका मुझे दो। सबसे पहला काम एम्स खुलवाने का काम करेंगे, उदाहरण तो खुलवाया झज्जर में, क्या जरूरत थी झज्जर में खुलवाने की? वो 20 किलोमीटर दूर दिल्ली में एम्स था, वहां के लोगों को तकलीफ थी, एम्स खुलना चाहिए था कहां जी, मगर जी इनकी आंख में फर्क था, जिस आंख से देखते थे जींद को धुंधला नजर आता था, जिस आंख से रोहतक को देखते थे साफ नजर आता था। इसलिए आप मौका दो, हम जींद में बैठे हुए एम्स की इसके साथ साथ पीने के पानी की बहुत दिक्कत, बीमारियां बढ़ते जा रही है, ये मैं वादा आपको देता हूं कि हम आरओ का सिस्टम एमपी रेट के कोटे से हर गांव के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था मैं करवाऊंगा। ये वादा जिस दिन सरकार बनेगी किसान के कर्जे माफ होंगे, ट्यूबवेल का कनेक्शन सरकारी खर्च पर मिलेगा, आपको पैसा देंगे, हर फसल पर केजरीवाल की तरह स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एमएसपी पर 10% बोनस किसान को देंगे, जिससे कि मजदूर को कमेरे वर्ग को ताकत देंगे, दलित बैकवर्ड को राज में हिस्सा देंगे, बूढ़ा बूढ़ी की पेंशन जो है वो दिन की 100 रुपये कितने बड़े 3,000 रुपये पेंशन बुजुर्ग आदमी, और महिला को पेंशन मिलेगी 55 साल में, 60 में नहीं 55 से पेंशन शुरू होगी, आदमी की पेंशन होगी 58 साल से, और इसी हिसाब से अच्छे स्कूल, स्कूली शिक्षा की बहुत जरूरत है, जैसे केजरीवाल ने स्कूल बहुत बढ़िया बना दिए आए कि नहीं, उसी प्रकार केजरीवाल वाली सोच यहाँ लगाएंगे, अच्छे स्वास्थ्य हो, अच्छी महिला को सुरक्षा मिले, अपराध खत्म हो, नशाखोरी खत्म हो, और हरियाणा भाईचारे और 36 बिरादरी का हरियाणा हम तोड़ेंगे नहीं, जहर नहीं फैलाएंगे, 35-1 की बात हिंदू मुसलमान की बात नहीं बल्कि 36 बिरादरी की बात है, हर धर्म
भाई आपका गांव तो वैसे छत्तीसगढ़ का गांव है, बता दो नहीं है तो, इसलिए आप धान लोगे तो बड़े गांव में से एक दे सकते, इसलिए आप अपना वोट जाया ना जाने। आपसे मैं फिर हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, आपने जो आज यहाँ पहुंच करके मेरा हौसला बढ़ाया है, आज ये तय हो गया कि जेजेपी पार्टी और आम आदमी पार्टी जीत की ओर अग्रसर है। ना जाने पर गरीब आदमी के 100 गज के प्लाट से पे छत होगी, खाने को अनाज होगा और तन रखने को कपड़ा होगा, गुलाबी कार्ड पीले कार्ड की व्यवस्था का जो है पूरी व्यवस्था होगी, सारे काम गरीब आदमी के लिए, मजदूर के लिए, दलित और बैकवर्ड के लिए, किसान कमेटी के लिए सारे काम बनेंगे और जीत राजधानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।